आपको बहुत इजी करके समझा दिया कि आप इन सब चीजों को परफॉर्म करके आप इजीली अपना हिप्स और थाइस का फैट रिड्यूस कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हिप्स और थाइस का फैट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे तो स्पॉट रिडक्शन कुछ नहीं होता है, आपको डाइट भी करनी पड़ती है और आपको प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, लेकिन मेजॉरिटी ख्वातीन को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं तो वो टाइम नहीं निकाल पाती हैं या फिर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं सबके सामने। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, मैं कोई साइंसी बातें नहीं करूंगी, मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जो ईजिली आप घर में फॉलो कर सकती हैं और अपना हिप्स और थाइस का फैट रिड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने आधे घंटे से ज़्यादा एक जगह नहीं बैठना है, अपने आप को आपने एक्टिव रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 15 मिनट्स आप काइंडली निकालें, और ये लेजली वर्कआउट है, बल्कि ये सिर्फ जस्ट वॉक है, लेजली की हैप्पी वॉक। 15 मिनट्स निकालें, आप इसे अपने मोबाइल पे लगाएं, अपने कमरे में थोड़ी सी जगह पर भी आप खड़े होकर इसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स तो आप निकाल सकते हैं ना अपने लिए। तो इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, डाइट के अलावा भी कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिनको आप परफॉर्म करते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होती हैं हिप्स और थाइस को रिड्यूस करने के लिए। उसमें सबसे मेन एक्सरसाइज आ जाती है स्क्वाट्स होते हैं, ठीक है। स्क्वाट्स अगर आप एक्स्ट्रा आप टाइम नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज के लिए, तो जो आप झाड़ू पोछा करते हैं वो आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के करें बजाय इसके कि आप खड़े होके करें, ठीक है। तो वो आपके स्क्वाट्स हो जाएंगे, जैसे उकड़ू बैठ के करते हैं वैसे आप अगर झाड़ू लगाते हैं पोछा लगाते हैं तो वो आपके स्क्वाट्स हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज होती है लंजेस, देखें ऐसी होती है। तो ये आप नहीं कर सकते तो आपके घर में जो स्टेयर्स हैं आप उनको जो है वो, अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो 4 से 5 दफ़ा आपने पूरे दिन में सीढ़ियों पर से चढ़ना उतरना है, तो वो आपकी लंजेस हो जाएंगी, ठीक है। और इसलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप किसी और से कहें कि ये काम कर दो मेरा वो काम कर दो, आप खुद उठें और अपना काम खुद करें, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएंगी, आपकी कैलोरीज भी बर्न होंगी, आपका अपना फ़ायदा है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो स्किपिंग भी कर सकते हैं, जो स्किपिंग जो रस्सी कूदना होता है, एक रस्सी कूदना होता है जो डबल टैपिंग होती है और एक सिंगल टैपिंग होती है। सिंगल टैप में ये होता है कि वो बहुत फास्ट होती है तो वो ना करें, आप डबल टैपिंग करेंगे तो वो ज़रा स्लो है तो वो सब ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 20 to 30 आप जो है वो 20 to 30 टाइम्स आप जो है वो एक दफ़ा में आप कर सकते हैं स्किपिंग रोप, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसे 100 तक लेके जाएं। अच्छा जी, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप रात में जब नमाज से फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद भी आप 2-3 एक्सरसाइजेस उस वक्त भी परफॉर्म कर सकते हैं। नमाज के बाद मैं इस वजह से कह रही हूँ ये एक्सरसाइज करने के लिए कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो 15 to 30 टाइम्स आप लेग रेजेस कर लीजिए, उसके बाद आप साइकिलिंग कर सकते हैं लेट के फ्लोर पर, और आप जो है वो कीगल एक्सरसाइजेज भी आपको जो है वो करनी चाहिए। कीगल एक्सरसाइजेज जो होती हैं आपका जो पेल्विक फ्लोर होता है, जो आपका पेल्विक एरिया होता है उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं। उसमें सबसे मेन जो होती है एक बटरफ्लाई पोज होता है, वो आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 3-4 एक्सरसाइजेज आप उस वक्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है वो वेट्स भी उठा सकते हैं। अब वेट्स आप किस तरह से उठा सकते हैं कि घर के कामों में जो जो बकेट्स होती हैं पानी की, आप वो भी उठा सकते हैं, ठीक है। झाड़ू पोछा करते वक्त जो आप पानी की बकेट्स आपने भरी हुई होती हैं वो आप उठा सकते हैं। कपड़ों से भरा हुआ जो टब होता है वो आप किसी और से कहने के बजाय आप खुद उठा कर आप अपने काम कर सकते हैं। फर्नीचर को अगर आपको इधर से उधर अगर आपने मूव करना हो तो वो आप कर सकते हैं, 10 से 12 kg आप खुद से उठा सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टेयर्स का जो मैंने बताया और ये हैवी वेट का जो मैंने बताया कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वो ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें, वो ये सब ना करें। लेकिन जैसे इन सब चीज़ों के करने से क्या होता है कि आपका फैट लॉस होता है और आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं। अच्छा जी, न्यू स्टडीज़ जो आई हैं उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप जो है वो आपके मसल्स को आदत होती है वेट्स वगैरह उठाने की, तो आपको डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियाँ होने से आप
महफूज रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थीं जो आप घर में रहते ही बहुत इजी मैंने आपको करके बता दिया। मैंने कोई किताबी आपके साथ बातें नहीं की, कोई साइंसी बातें नहीं की, आपको कुछ मैंने आपको बहुत इजी करके समझा दिया कि आप इन सब चीज़ों को परफॉर्म करके आप इजीली अपना हिप्स और थाइस का फैट रिड्यूस कर सकते हैं, लोअर बेली भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें आप कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए और कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए ये जो नंबर आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप रابطہ कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।